मैट्रिक्स, माइक्रो मैट्रिक्स आप लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो माइक्रो मैट्रिक्स हमने अभी तक क्या देखा था पिछली बार कि व्हाट इज माइक्रो मैट्रिक्स, माइक्रो मैट्रिक्स क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो भी स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं है? वो सारी स्टडी किसमें आती है, माइक्रो मैट्रिक्स में। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ क्या क्या इंक्लूड करता है ये, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, जो भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरह की हैं मेनली, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो उसकी खुद की होती हैं, जैसे पार्टिकल साइज, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया, उसका पार्टिकल का वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, उसका फंडामेंटल मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी उसके बारे में होती है। दूसरा जो आता है डिराइव प्रॉपर्टी, डिराइव प्रॉपर्टी मतलब ये जो भी उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं उनके नाते इनकी जो प्रॉपर्टी बनती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिराइव प्रॉपर्टी। डिराइव प्रॉपर्टी में क्या क्या आते हैं, इसमें आता है पार्टिकल साइज, सॉरी बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज, ये सारे इसमें, पोरोसिटी, ये सारे किसमें आते हैं सर, आपके डिराइव प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसमें कुछ की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है अलग अलग पार्टिकल की, कोई स्फेरिकल शेप होगा, कोई क्यूबॉइडल टाइप का होगा, कोई इररेगुलर कहा जाएगा, मतलब हर पार्टिकल्स अलग अलग है, यूजली पार्टिकल्स का शेप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि एकदम ऐसे ही है, वो आइडियल हो जाएगा, बट हम ये मानते हैं कि सिमिलर होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, बट वो वेट वाइज सिमिलर हो सकता है, हा? उसका वजन एक बराबर हो सकता है, उसका डेंसिटी बराबर हो सकती है। ठीक है, उसका डायमीटर वाइज, साइज वाइज उसका है, उसका डायमीटर ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती है, लेकिन शेप में भी चेंज। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है फर्दर, द यूनिट्स ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड, कौन कौन से पार्टिकल साइज में, जैसे आपने साइज में या लेंथ में आपने क्या क्या यूज किया होगा, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब आपको पता है, लेकिन जब हम छोटे पार्टिकल्स बात करते हैं, छोटे पार्टिकल्स के लिए फिर हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, माइक्रोमीटर में है? माइक्रोन में, अच्छा, और या फिर 10^-6 मीटर, ये क्या है, 1 माइक्रोमीटर का ये इक्विवेलेंट है मीटर में। अब इसमें देखेंगे, एज वी नो दैट माइक्रो मैट्रिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, द नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ द साइज एंड द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ सिग्निफिकेंट इन फार्मेसी। अब इसमें जो पार्टिकल साइज है, जो हम लोग पार्टिकल साइज बताते हैं, आप देखे होंगे पिछले सेमेस्टर भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि स्मॉलर द पार्टिकल साइज, मोर द सरफेस एरिया, बेटर द एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज पढ़े होंगे। तो ये फार्मेसी में पार्टिकल साइज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, ये हम लोग माइक्रो मैट्रिक्स में ही जानते हैं, क्योंकि माइक्रो मैट्रिक्स स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स के जो भी रिस्पॉन्सेज हैं उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें स्टडी करते हैं, और ये हमारे फार्मेसी में कैसे बेनिफिशियल है ये यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, बेनिफिशियल में किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसी की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, किसी का ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, किसी का मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो अलग अलग इसके रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं जिसके नाते ये बढ़ते जाते हैं, या इसकी स्टडी जो होती है कि हम तो हमको किस ड्रग के साथ में क्या एडवांटेज मिल रहा है, क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है कि ये जो हम लोग माइक्रोमैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, हाउ दिस इज बेनिफिशियल, मींस ये कैसे सिग्निफिकेंस है इसका, इसका इंपॉर्टेंस कैसे आ रहा है, तो पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग, पार्टिकल साइज जो इसकी है कैसे अफेक्ट द रिलीज फ्रॉम डोजेस फॉर्म, पार्टिकल साइज जो है अगर छोटी है तो उसका रिलीज,
और पार्टिकल साइज अगर बड़ी है तो उसका रिलीज दोनों में फर्क रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड ओरली, पेरेंटली, रेक्टली, टॉपिकली, ये अलग अलग तरह से उसको हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं, अलग अलग डोजेस फॉर्म बनाते हैं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। साइज बड़ी है टैबलेट में है, साइज पाउडर कर दिए तो वो स्नफ ले सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, मतलब वो नाक से खींचने के लिए, या फिर आप एज अ पाउडर अप्लाई कर सकते हैं, ओरल कौन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं, ऑन द स्किन किस किस फॉर्म में लगा सकते हैं, किस फॉर्म में आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं पेरेंटरली, ये सारी चीजें आप इसमें इम्पैक्ट करती हैं कि उसकी पार्टिकल साइज क्या है। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोमेट्रिक्स इन फार्मेसी क्या क्या है इसमें। द साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल, साइज क्या है, जो भी ड्रग पार्टिकल का साइज है, सरफेस एरिया है पार्टिकल, वो कैसे अफेक्ट करता है, अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। क्या क्या अफेक्ट करेगा, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, ये पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग अफेक्ट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग का रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग का क्या करते हैं, इसको ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, फ्रॉम डोजेस फॉर्म, अलग अलग डोजेस फॉर्म से, ये अलग अलग डोजेस फॉर्म से पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है उसमें ड्रग रिलीज। जैसे आप देखेंगे डिस्प्रिन का है, डिस्प्रिन में, या फिर एक आप डिस्प्रिन में दोनों टैबलेट आती है, एक तो होती है बाहर आप डिस्पर्सिबल टैबलेट, मीन्स आपको बाहर मतलब एक कप पानी में उसको डाले, डिसइंटीग्रेट हो गई, डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, आप उसको एक कप पानी में डाल के पी गए फटाक से, तो क्या हुआ, शरीर के बाहर ही वो डिसइंटीग्रेट हो गई, मतलब उसका पार्टिकल साइज फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब क्या हुआ, उसका जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो समय लगना था, अब डिस्प्रिन अगर आप दो तरह के आती है, डिस्पर्सिबल और एक कन्वेंशनल नॉर्मल टैबलेट की तरह, तो दोनों में दवा असर करने का समय 15 मिनट का फर्क पड़ जाता है, तुरंत असर करना है या कम टाइम में करना है, 15 मिनट में आपका हो जाता है डिस्प्रिन जो डिस्पर्सिबल आती है, और नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट जो आती है उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर आप देखेंगे पार्टिकल साइज कम हो रही है तो उसका रेट ऑफ रिलीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर आप देखें डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म के हिसाब से, तो ओरली लेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मींस एडीएमई होगा, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म, पेरेंटरली लेंगे तो डायरेक्ट ब्लड में गया और इफेक्ट दिखाएगा, टॉपिकली लेंगे तो टॉपिकली क्या होगा, स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब होके नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद क्या होगा, मींस स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके फिर वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, रेक्टली लेंगे तो अगेन उसके लिए फिर लार्ज सर्फिस एरिया कौन कौन सी ड्रग कर सकते हैं, क्योंकि अगेन अगर रेक्टल रूट यूज करेंगे तो उसमें आपको क्या चाहिए कि ड्रग का सॉल्युबिलिटी किस पीएच पे है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें उसमें फैक्टर अलग से काम करते हैं, बट अगेन यहाँ पार्टिकल साइज डिसाइड कर सकते हैं कि किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, किससे उसका मैक्सिमम रेट ऑफ रिलीज उसका हो सकता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें, द सेडिमेंटेशन रेट इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन रेट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज, बट अभी आप पूरा देख चुके हैं कि कैसे कैसे सस्पेंशन में पार्टिकल साइज के हिसाब से सेडिमेंटेशन रेट कैसा है, किसमें फास्ट है, किसमें स्लो है, किसमें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ठीक है, स्टेबल वाले सस्पेंशन में क्या पार्टिकल साइज रेंज है कि उसका एकदम स्टेबल है, क्या पार्टिकल साइज रेंज सेडिमेंटेशन स्लो है, क्या पार्टिकल साइज है कि सेडिमेंटेशन फास्ट है, वो सारी चीजें आप पहले से देख चुके हैं। ठीक है, सो टू मेक स्टेबल सस्पेंशन इन सम केसेस इमल्शन ऑल्सो पार्टिकल साइज, अब देखिए अब जहां भी इस तरह का सस्पेंशन इमल्शन का बात दोनों साथ में होगा तो सस्पेंशन के केस में आपको पार्टिकल की बात करनी है, इमल्शन के केस में आपको ग्लोब्यूल्स की बात करनी है। ठीक है, सो टू मेक स्टेबल सस्पेंशन एंड इमल्शन पार्टिकल साइज मस्ट बी कंट्रोल्ड, अब आप देखेंगे कंट्रोल्ड सेडिमेंटेशन आप देखेंगे आप वहां पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी चीज हो रही है अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्मुलेशन को स्टेबल नहीं रख पाएंगे, अगर वो
अनकंडीशनली, मतलब मीन्स आपका कंट्रोल नहीं है कि वो सेडिमेंटेशन ज्यादा हो रहा है, सेडिमेंट होके केक फॉर्म कर गया तो आपका फिर वो नुकसान हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि किस तरह से आपको कंट्रोल रखना है ऑन सेडिमेंटेशन या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन टैबलेट्स कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। अब देखें, आप देखे होंगे टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग में भी हॉपर के थ्रू फिल करते हैं। टैबलेट के स्पेशली देखेंगे तो हॉपर लगा हुआ, ऊपर से एक हॉपर रहता है। हॉपर में क्या रहता है, ऊपर जैसे आप गेहूं वाला देखे होंगे ना गेहूं जब पिसने जाता है तो ऊपर हॉपर रहता है जिसमें ऊपर से गेहूं डालते हैं और वो नीचे नैरो हो जाता है जहां से आपका कंट्रोल करते हैं उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं और कितना गेहूं जाने देते हैं कि वो चक्की में जाके गेहूं पीस के आटा बनाए। अगर फ्लो ज्यादा कर दिए तो क्या होगा, गेहूं जाके दोनों पत्थर के बीच में ब्लॉक कर देगा और पत्थर घिसना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर फ्लो कम हो गया तो क्या होगा, गेहूं कम जाएगा, फिर क्या होगा, पत्थर आपस में घिसेगा और सारा आटे में पत्थर का पाउडर आ जाएगा। तो वो भी नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज हुई, ज्यादा अगर फ्लो हो गया तो भी ब्लॉक कर दिया, कम फ्लो हुआ तो पत्थर घिस के आटा खराब करेगा। सेम वे में यहां पे भी है कि दोनों केस में क्या है कि फ्लो प्रॉपर्टी वहां पे गवर्न कर रही है उसको। फ्लो प्रॉपर्टी कैसे, कि अगर हॉपर से ठीक से फ्लो नहीं करेगा तो उसका रेट, फ्लो रेट कम हो जाएगा। पहले हॉपर को ही ब्लॉक कर दिया, आगे नीचे जा ही नहीं रहा है। कभी कभी क्या होगा, फ्लो रेट बहुत ज्यादा है तो जाके उसको पत्थर के बीच में जाके इकट्ठे पड़ जाएगा। ये तो हो गया आटा चक्की का। इसमें जो होता है किसमें, टैबलेट फॉर्मुलेशन में, टैबलेट में क्या है कि हॉपर के थ्रू जाता है तो हॉपर के थ्रू एक होता है उसमें शू बना रहता है। शू को क्या करते हैं, उसके अंदर से वो पाउडर जाता है डाई कैविटी में, जहां डाई मतलब यहां पर डाई कलर नहीं है, यहां पर डाई मतलब सांचा है, साचा है जिसमें टैबलेट, उसमें नीचे से एक पंच रहता है, ऊपर से पंच रहता है और बीच में पाउडर, शू के थ्रू पाउडर आता है और पाउडर वहां पे भर के और उसको दबाता है फिर बाद में ऊपर से। तो अगर पाउडर भरने का जो प्रोसेस है और पाउडर में फ्लो प्रॉपर्टी ठीक से नहीं है तो मान लीजिए आपको एक टैबलेट बनानी है 500 मिलीग्राम की, जिसका 500 मिलीग्राम का वेट मतलब 500 मिलीग्राम तो उसमें ड्रग होगा, उसके अलावा जो एडिटिव पड़ेगा तो मान लीजिए उसका 500 मिलीग्राम का टैबलेट का वेट हो गया 650 मिलीग्राम। ठीक है, तो 650 मिलीग्राम की टैबलेट अगर पंच करनी है और आपको क्या है कि जब टैबलेट पंच हो तो उसके अंदर 650 मिलीग्राम पाउडर आके भर जाए। ठीक है, यही हुआ मतलब। तो अगर आपका हॉपर के थ्रू फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की ठीक नहीं है तो क्या होगा कि पाउडर ठीक से भरेगा नहीं और 650 के बजाय 500, 650, 600, 300 कुछ भी पाउडर आके उसमें हॉपर में भरेगा, हॉपर के थ्रू आपके कैविटी में भरेगा और उसको पंच करेगा तो क्या होगा कि आपको बनाना था 650 मिलीग्राम की टैबलेट जिसके अंदर 500 ड्रग रहता तो वो घट के 400-500 मिलीग्राम का टैबलेट बना तो उसके अंदर क्या हुआ, ड्रग की क्वांटिटी भी फिर घट गई तो हमारा जो फॉर्मुलेशन था वो प्रॉपर नहीं बना उसमें, तो उसमें वेट वेरिएशन आ जाएगा, कई सारे उसमें डिफेक्ट्स भी माने जाएंगे। तो ये सारी चीजों में क्या है कि अगेन फ्लो प्रॉपर्टी उसको गवर्न करती है। तो फ्लो प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए क्या क्या चीज गवर्न करता है, डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज, डेंसिटी एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब साइज कैसे कैसे करता है, अगर मान लीजिए इररेगुलर साइज के अगर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसका क्या है, फ्लो ठीक से नहीं होगा। और अगर इररेगुलर पार्टिकल्स मींस अगर सारे पार्टिकल्स स्फेरिकल हैं या ऑलमोस्ट स्फेरिकल हैं तो क्या होगा, उनका फ्लो प्रॉपर्टी सही रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर रोल ऑन करके कर जाएंगे। अच्छा, इस चीज को कम करने के लिए ग्लाइडेंट डालते हैं, ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए ग्लाइडेंट डालते हैं जिसका नाम है टैल्क। वही काम आपका जो करता है, जिससे आप कैरम खेलते हैं तो कैरम में स्ट्राइकर से वैसे मारेंगे बिना कोई लुब्रिकेंट लगाए उसमें। लुब्रिकेंट मीन्स आपका जो पाउडर ग्लाइडिंग के लिए, स्लाइडिंग के लिए यूज करते हैं उसमें, ठीक है, ग्लाइडेंट भी बोलते हैं उसको जो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप उस पर पाउडर छिड़क देते हैं तो क्या होता है कि उसमें आप जब खेलेंगे तो आपका फ्री फ्लोइंग रहेगा, आराम से जाएगा, इधर उधर रिबाउंड शॉट लगा सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आपका एक तरफ से हम जाते जाते आगे रुक जाता है। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए उसमें ग्लाइडेंट वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
एग्जाम्पल्स इसके हैं कि अभी तक तो भाई अब कहानी सुन ली, अब एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो पहला इसमें डिसॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रीसोफिल्विन, ग्रीसोफिल्विन ड्रग है जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पार्टिकल साइज डिक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज एंड सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज ऑफ द ड्रग। तो ये क्या है, ग्रीसोफिल्विन की जो सॉल्युबिलिटी है वो साइज रिडक्शन करने से क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना रहेगा कि जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछता है इससे, इससे पूछता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ किसका, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोमेट्रिक्स स्टडी इन फार्मेसी। तो इसमें आपको जहां पे सॉल्युबिलिटी की बात आएगी तो वहां पे आपको एग्जाम्पल भी कोट करना है, कौन सा, ग्रीसोफिल्विन का। ग्रीसोफिल्विन क्या करता है, ये ग्रीसोफिल्विन जब आपका ग्रीसोफिल्विन का जब साइज रिडक्शन करते हैं, पाउडर करते हैं उसको, तो क्या करते हैं, तो इससे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, कौन कौन से ड्रग हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, ये सब ड्रग कैसे हैं, इनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज विद साइज रिडक्शन। क्या है मतलब, कि साइज रिडक्शन करेंगे तो ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड तक पहुंचने का जो टाइम है ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ड्रग हैं, एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन, और भी कई सारे हैं, आपको ये सिंपल सिंपल नाम्स हैं जो आप पहले से मार्केट में सुने होंगे, पहले से देखे होंगे। ठीक है, तो आपके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन इंक्रीजेस विथ साइज रिडक्शन। इनका क्या है कि एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबोलिज्म, सॉरी बायोअवेलेबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है विथ साइज रिडक्शन। जैसे जैसे अगर आपको उसको और डिटेल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कि फ्यू ड्रग्स ऑन साइज रिडक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया इंप्रूव एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स एस्प्रिन, सल्फोनामाइड्स, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और फ्लो चार्ट बनाइए, इजी रहेगा आपको लिखने में भी समझने में भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। अब प्रॉपर्टीज में कैसे, अभी आप बताए थे आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल में कौन कौन से थे, रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल शेप, सरफेस, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वेट एंड पार्टिकल नंबर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट आता है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। अब डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में कौन कौन से हैं, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ये जो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं पाउडर के, पार्टिकल्स के, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, जैसे पहला उसमें डेंसिटी ऑफ पाउडर, डेंसिटी ऑफ पाउडर में कई सारे डेंसिटी होते हैं, कौन से, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ग्रेनुलर डेंसिटी, इसके अलावा आपका एक आता है कौन सा, ट्रू डेंसिटी। ये सब आप लास्ट सेमेस्टर आप हो सकता है प्रैक्टिकल किए भी हैं, उसमें किए हैं, इसके अलावा क्या आता है, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, पोरोसिटी, बल्कीनेस, ये सारे किसमें आते हैं, डिराइव प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट है कौन सा, पार्टिकल साइज। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज थे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड डिराइव प्रॉपर्टीज, अब हम धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है आपका। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज क्या बोल रहा है, पार्टिकल साइज इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोमीटर और माइक्रॉन फॉर स्मॉलर पार्टिकल। छोटे पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं साइज के लिए, या फिर माइक्रॉन यूज करते हैं।
एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, सेल में अलग अलग जो सेल सेल के जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ एंगस्ट्रॉम में भी कुछ दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए आपने यूज किया माइक्रोमीटर और माइक्रोन, लार्जर पार्टिकल्स, लार्जर मतलब ये किलोमीटर या मीटर वाले नहीं है, छोटे में ही जो एकदम छोटे हैं और कुछ उसमें से जो थोड़े बड़े हैं उनको मेजर करने के लिए। तो लार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर एमएम। अब इसका ये कन्वर्जन चार्ट है, ठीक है, कैसे मिलीमीटर, यहां पे जितने भी मिलीमीटर या माइक्रोमीटर लिखे हैं सब वन समझिएगा उसको, ठीक है। अब वन मिलीमीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर, माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर्स। ये क्या है, कन्वर्जन है अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पार्टिकल्स हैविंग सेम डायमीटर, जो भी पार्टिकल्स जिनके डायमीटर सिमिलर सेम रहेंगे, पाउडर सैंपल इज नोन एज, इस तरह के पाउडर क्या बोलते हैं, मोनो डिस्पर्स। अब ये आपको पूछता है 2 मार्क्स में, डिफाइन मोनो डिस्पर्स या डिफाइन पॉली डिस्पर्स पाउडर। तो मोनो डिस्पर्स कौन से हैं, मोनो डिस्पर्स पाउडर वो है जिनका पाउडर का जो डायमीटर है वो सिमिलर रहेगा, तो क्या होगा, मोनो डिस्पर्स। और अगर एक बराबर एक जैसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के पार्टिकल्स अगर एक ही साथ हैं, एक ही मतलब कि मान लीजिए आपको एक पाव पाउडर मिला, एक पाव पाउडर के पार्टिकल्स सिमिलर जैसे हैं तो वो मोनो डिस्पर्स हो जाएंगे, और एक पाव पाउडर में अगर आपका मिक्सचर ऑफ पाउडर है तो क्या होगा, या फिर आपने जैसे मान लीजिए आपका सैलिब्रेशन किया, सैलिब्रेशन करने के बाद में उसमें हर तरह के पाउडर हैं, फाइन भी हैं, कोर्स भी हैं, है मीडियम, हर तरह के साइज के पाउडर हैं, तो वो क्या हो गया, वो पॉली डिस्पर्स पाउडर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इक्वल साइज इन पाउडर सैंपल, पाउडर सैंपल में जब इक्वल साइज के हैं तो वो मोनो डिस्पर्स कहलाएंगे, और अनइक्वल साइज के हैं तो क्या कहेंगे, पॉली डिस्पर्स। और इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में जो भी पाउडर यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से होते हैं, वो होते हैं पॉली डिस्पर्स पाउडर। क्यों पॉली डिस्पर्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे टैबलेट बनाना है या फिर आप जैसे लिंटर डालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी गिट्टियां होती हैं, गिट्टी को दो गिट्टी के बीच में गैप रहेगा, गैप को कम करने के लिए क्या करेंगे, गैप को कम करने के लिए उसके अंदर बीच में मोरंग बालू डालेंगे, मोरंग बालू डालने के बाद क्या होगा कि मोरंग बालू के बीच में भी कुछ कुछ गैप रहेगा तो उसके अंदर सफेद वाला बालू डालेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे के आसपास में सब पैक हो रही हैं, अब इनको सबको एक साथ बाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर फिर सीमेंट डालते हैं जो एक सबको साथ में मिलकर बाइंड कर लेगा, इससे क्या होगा कि इसके जो बीच में गैप था वो सारे फिलअप हो गए, इसलिए हम लोग पॉली डिस्पर्स पाउडर यूज करते हैं जिसके अंदर फाइन पाउडर्स भी रहेंगे, जिसके अंदर कोर्स पाउडर भी रहेंगे, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे, ग्रेन्यूल दानेदार होते हैं जैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखनी रहेगी, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ शेप ऑफ पार्टिकल इज स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल पार्टिकल है डायमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, अगर स्फेरिकल पार्टिकल है कोई एकदम गोला वाला है तो आपका डायमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। इफ शेप ऑफ पार्टिकल इज नॉट स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत होगी निकालने में, जब स्फेरिकल है नहीं डायमीटर कहां से निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, डायमीटर नहीं निकाल सकते हैं, पार्टिकल साइज मींस स्फेरिकल नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, इन नॉन स्फेरिकल पार्टिकल केस वी कंसीडर अ हाइपोथेटिकल स्फेरिकल शेप। अब क्या कर रहे हैं, ये हम वो कह रहा था कि पार्टिकल साइज अगर स्फेरिकल नहीं है, शेप उसका स्फेरिकल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक स्फेरिकल मान लेंगे, कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है इरेगुलर शेप का,
ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका मोस्ट पॉसिबल सर्कुलर मान लेंगे कि कैसा इसका सर्कुलर वाला होगा, ठीक है। अब कैसे, हम ये मानेंगे कि ये किस में ज्यादा स्पेसिफिक आ रहा है। ये देखिए, इसका जो स्पेसिफिक मानेंगे, देखिए रेड वाला क्या था, इररेगुलर पार्टिकल था जिसका स्फेरिकल एक जैसा स्पेसिफिक नहीं है, मींस नॉन स्फेरिकल है, या फिर कहते हैं इररेगुलर शेप का है, ठीक है। अब हम एक कंसिडर किए काल्पनिक वाला सर्किल जो कि इसको प्रॉपरली कवर कर सकता है, मींस इसको आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है, जो इसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है। इस तरह का एक सर्कल लेंगे, उसका डायमीटर हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। इसका डायमीटर हम लोग नाप लेंगे कि ये इसका डायमीटर है, तो मान लेंगे कि जो इररेगुलर शेप का पार्टिकल्स था उसका भी डायमीटर वही होगा, ठीक है। ये तो एक हो गई सीधी सीधी बात कि भाई हम उसको काल्पनिक रूप से मान ले रहे हैं, ठीक। अब ये मानने का तरीका कई सारे हैं, ये हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है, ये आपको चीज समझ में आई नहीं आई? ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, कि किस तरह से ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग है काल्पनिक वाला। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कंपेयर करके हम लोग उसको सिमिलर मान के अपना उसको यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। अच्छा, किस किस बेसिस पे हाइपोथेटिकल शेप मानते हैं, सरफेस एरिया के उसमें मान सकते हैं, वॉल्यूम के भी उसमें मान सकते हैं, डेंसिटी में मान सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर जैसे हाइपोथेटिकल के साथ में कंपेयर, एक नकली हम लोग स्फेरिकल मान लिए और हमारा टेढ़ा मेढ़ा जो पार्टिकल था उसके साथ हम कंपेयर कैसे करेंगे कि वो सिमिलर है, तो उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे सरफेस वाला, सरफेस एरिया का एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर क्या है, वॉल्यूम पे पैरामीटर है, ठीक है, और उसके अलावा डेंसिटी पे उसका पैरामीटर है, ठीक है, डायमीटर पे है, अलग अलग उसमें करते हैं, अलग अलग मेथड से उसको कर सकते हैं, ठीक। इसमें पहला क्या आता है, सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर मीन्स, सरफेस डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, बाय कैपिटल डी और स्मॉल एस, ठीक है। डीएस मीन्स सरफेस डायमीटर, ठीक। अब इसको द डायमीटर ऑफ द ऑफ अ स्फीयर हैविंग सेम सरफेस एरिया। अब क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के अलग अलग पार्टिकल्स मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका जो हम स्फेरिकल शेप मान रहे हैं उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब जो उसके सरफेस का एरिया मानेंगे वो उसका एरिया, और जो इररेगुलर शेप का पार्टिकल है उसका एरिया अगर सिमिलर होता है तो क्या मान लेंगे कि ये दोनों का सरफेस एरिया के हिसाब से दोनों एक जैसे हैं, तो इनका दोनों का डायमीटर सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला क्या है, डीएस इज इक्वल टू अंडर रूट एस बाई पाई, ठीक है। एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल, डीएस सरफेस डायमीटर है, डीएस क्या है, सरफेस डायमीटर है ऑफ स्फेरिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है वॉल्यूम डायमीटर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम डायमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीवी से, वेयर डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर एंड वी फॉर वॉल्यूम, ठीक। द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल स्फीयर हैविंग अ सेम वॉल्यूम एज एज द पार्टिकल इज नोन एज वॉल्यूम डायमीटर। क्या मतलब हुआ इसका, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम, अब वो वॉल्यूम वाइज सेम है, ठीक है, जितना वॉल्यूम स्फेरिकल का है उतना ही वॉल्यूम आपका किसका आएगा, इररेगुलर पार्टिकल्स का। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डीवी इज इक्वल टू 6V अपॉन पाई का होल 1/3। यहां पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है, और डीवी क्या है, वॉल्यूम डायमीटर है। तो ये वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मेजर करने के लिए उसका भी मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, प्रोजेक्टेड डायमीटर, ठीक है। अच्छा अभी आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म के कगार पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस के लिए रवि आप ले लीजिएगा।